अगली खबर में बात करते हैं रतलाम की, जहां जमुनिया के पास हुए भीषण हादसे में जान गंवाने वाले 4 श्रमिकों सहित सभी 15 मजदूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से दिवाली की छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। मंगलवार को उन्हें बदनावर से 4 लेन पर क्रॉस बैरियर लगाने के काम के लिए जमुनिया भेजा गया था, जहाँ वह शाम 5 बजने के कुछ मिनट पहले तेज रफ्तार कार के कहर का शिकार हो गए। इस भीषण हादसे में विकास, हरिओम, टीटू और छोटू की मौत हो गई। टीटू और छोटू सगे भाई थे और पहली बार ही मजदूरी करने के लिए यहां आए थे। हादसे में घायल 12 श्रमिकों में से 4 की मौत हो गई और 4 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। वहीं 4 घायल मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे का शिकार हुए मजदूर यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। यहां सभी श्रमिक ठेका पद्धति पर सड़क निर्माण के कार्य के लिए बदनावर आए हुए थे। दिवाली की छुट्टियां मनाने के बाद मंगलवार सुबह ही सभी श्रमिक वापस लौटे थे। हादसे के प्रत्यक्षदर्शी शुक्राम के अनुसार आमतौर पर उनकी छुट्टी शाम 4 बजे हो जाती है, लेकिन मंगलवार को कुछ काम बचा रह जाने की वजह से 5 बजे छुट्टी किया जाना तय किया गया था। लेकिन 5 बजने के 3 मिनट पहले ही तेज रफ्तार बलेनो कार ने मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उससे टकरा कर मजदूर खाई में 15 से 20 फीट दूर तक जा गिरे। बहरहाल हादसे में मृतक हुए 4 श्रमिकों के सब पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया, जहां से उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ले जाया गया है। वहीं घायल मरीज 4 का उपचार एमवाई इंदौर और 4 मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मेरी आँख 2 सेकंड के लिए बंद हुई। उसके बाद पीछे मैंने मुड़ के देखा तो हमारा रोड पर एक भी बंदा भी नहीं था। सब खाइयों में पड़े मिले, कोई 20 फुट अंदर में था खेत में, कोई 10 फुट में, कोई 15 फिट में। 15 तारीख को काम कर भी आई, 14 को आई, 15 को काम करो, वही तारीख को एक्सीडेंट है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।